प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति बन चुका है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने वाले नरेंद्र मोदी भले ही आज सबसे प्रिय नेता हों, पर एक दौर ऐसा भी था जब वो अपने संघर्ष किसी को बताकर बयान नहीं करते थे। उस समय वो एक डायरी लिखकर अपने मन की बातों को किताब के पन्नों तक सीमित रखते थे। इतना ही नहीं, इसमें खास ये भी था कि वो अपने इस किताब के पन्नों को खुद ही जला दिया करते थे। जी हाँ, नरेंद्र मोदी युवावस्था के दौरान रोज डायरी लिखा करते थे, लेकिन आश्चर्य कर देने वाली बात ये थी कि वे अपनी डायरी लिखकर डायरी के पन्नों को हर 4-6 महीने में जला दिया करते थे। वही जब एक बार उनके दोस्त भाई पंचासरा ने ये सब होते देखा तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को समझाया और ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उस डायरी के बचे हुए पन्नों ने एक किताब का रूप ले लिया। नरेंद्र मोदी कई बार इस किताब का जिक्र कर चुके हैं। इस किताब का नाम साक्षी भाव रखा गया है। अपने इस किताब को लेकर मोदी जी का कहना है कि जब मैं 36 साल का था तब जगत जननी माँ के साथ मेरा संवाद का संकलन है साक्षी भाव। ये किताब पाठकों को मेरे साथ जोड़ती है। पाठक को न केवल समाचार पत्रों द्वारा बल्कि मेरे शब्दों द्वारा मुझे जानने में मदद करती है। साक्षी भाव में मोदी ने अपने शब्दों को कविता का रूप दिया है। इसमें वे माँ दुर्गा के साथ संवाद को लिखते हैं, यानी कि वो माँ दुर्गा के साथ की गई बातों को कविता में ढाल कर आपके सामने पेश करते हैं। इसके अलावा भी मोदी ने कई किताबें लिखी हैं। मोदी का कविताओं के प्रति खास झुकाव उनके भाषणों में हम साफ देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी की लिखी हुई किताबों में ज्योति पुंज नाम की किताब भी शामिल है। इसमें उन्होंने आरएसएस जीवन के दौरान की भावनाओं का जिक्र किया है। इसके साथ ही गुरु गोवलकर से लेकर वसंत राव चिंपलंकर तक करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे प्रचारकों के बारे में मोदी ने लिखा है जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है। सोशल हार्मनी किताब भी मोदी ने अपने बाल जीवन से अब तक की सोच के उदाहरण को माध्यम से लिखी हुई है। उन्होंने परीक्षा की तैयारी और उस समय होने वाली घबराहट व तनाव को दूर भगाने के तरीकों को बताते हुए स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम वॉरियर्स नाम की भी एक किताब लिखी है। मोदी अक्सर अपने आप को जनता से जोड़ कर रखते हैं और यही कारण है कि वो इतने ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।